साहू समाज की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं रविशंकर साहू, प्रमुख सलाहकार मध्य प्रदेश साहू समाज भोपाल। आज हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था लास्ट टाइम उज्जैन में, उसकी कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है ताकि हम आगे कार्यक्रम को अपनी रूपरेखा दे सकें। वैसे पिछले 2008 से हमारा संगठन काम कर रहा है और सभी सामाजिक गतिविधियां को हम निर्माण करते हैं। परिचय हमारा मेन उद्देश्य है, समाज का परिचय और समाज में शादी योग बच्चों का परिचय, ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने उज्जैन में 1 बीघा जमीन परचेज की है, जिस पर हम लोग हमारी आराध्य माँ कर्मा का कर्माधाम बना रहे हैं और वहाँ पर हम लोग एक समाज के लिए कॉलोनी भी काट रहे हैं, जिसका ओपनिंग अभी हमने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के द्वारा करवाया था और उसमें हम लोग धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ फिर वहाँ से चलाएंगे, जहाँ हमारा भवन भी बनेगा। मैं द्वारका प्रसाद साहू उज्जैन से हूँ, मध्य प्रदेश साहू समाज का अध्यक्ष हूँ। चिंता मुझे आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, नौ कार्यकारिणी का गठन होना है। नहीं, हमारा संगठन राजनीतिक उद्देश्य नहीं, सामाजिक संगठन है, समाज के हित में काम करते हैं। अभी तक तो हमारा 2008 से पर्चा सम्मेलन चलता है, जिसमें कई पर्चा सम्मेलन, जिसमें पत्रिका बोड़ान पत्रिका निकाली जाती है, उसमें सबके बायोडाटा निकालते हैं। संदेश से सब बच्चों का संबंध आपस में होता है और 2008 से हमारा सम्मेलन चल रहा है, बोड़ान पत्रिका हमारे पॉपुलर है, उसमें अभी पिछली बार से हम निःशुल्क को छापते हैं उनके बायोडाटा। मैं प्रोफेसर टी आर साहू, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी, एक्स सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश साहू समाज, अभी मैं संरक्षक हूँ इस मध्य प्रदेश साहू समाज का। और आज की जो बैठक है, प्रादेशिक स्तर पर हम लोग पदाधिकारी आज नियुक्ति दे रहे हैं और वो प्रादेशिक स्तर पर हमारे जो नियुक्त होंगे वो जिले में अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अप्रूव कराएंगे और जिलाध्यक्ष जितनी भी तहसील है उन तहसीलों में नियुक्ति करेगा। तो एक प्रकार से एक चैनल पूरा हमारे गांव तक मध्य प्रदेश साहू समाज का।